मागील 4 दिवसांपासून मुंबईसह उपनगरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे केवळ जनजीवनच विस्कळीत झाले असे नाही तर वन्य प्राण्यांच्या जीवनावर देखील याचा परिणाम झाला आहे. सलग 4 दिवस सुरू असणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक सरपटणारे प्राणी मानवी वस्तीत आढळून आले आहेत. अम्मा केअर फाउंडेशन आणि प्लांट अँड ॲनिमल वेलफेअर सोसायटीच्या स्वयंसेवकांनी भांडूप, वांद्रे, दहिसर, बोरिवली, वसई अशा विविध ठिकाणाहून घार आणि घोरपडसह अजगर, नाग, घोणस, तस्कर, धामण, झिलान यांसारखे 16 सरपटणारे प्राणी पकडून त्यांना त्यांच्या वातावरणात म्हणजेच जंगलात सोडले असल्याची माहिती अम्मा केअर फाउंडेशन आणि प्लांट अँड ॲनिमल वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष सुनीश कुंजू यांनी दिली आहे. बारिश के कारण हम इंसानों को सिर्फ नहीं जानवरों का भी हाल हुआ है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया से कॉल आया जिसमें जो पानी भरने के कारण जो सांप है पक्षी ये दिखाई दे रहे हैं उनके एरिया के में, जिसके कारण हमारे वॉलंटियर्स ने 16 वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया है जिसमें से 3 जो है बर्ड्स है और एक मॉनिटर लिजार्ड है जो घोरपड़ बोलता है वो है और बाकी सांप है. ये मोस्टली जो भी स्नेक्स है रेजिडेंशियल एरिया में दिखाई देता है क्योंकि जो होल्स है उसमें पानी भर गया है और वो जो गिल्ला सूखा एरिया ढूंढ के आया रेजिडेंशियल एरिया में आया. काफ़ी टाइम में ये जो स्नेक्स है खिड़की पे दिखाई दे रहा है या तो ग्राउंड फ्लोर में दिखाई दे रहा है या लिफ्ट के आसपास दिखाई दे रहा है. और हमारा यही पब्लिक से अपील है अगर स्नेक या ये सब तरीके का जानवर दिखाई देता है आप मारिए मत. कोई भी रेस्क्यूअर को कॉल कीजिए या तो एनिमल वेलफेयर एनजीओस को कॉल कीजिए जो आके रेस्क्यू कर देगा सेफली उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेगा. हमने जो भी जानवर रेस्क्यू किया उसका मेडिकल किया गया, हमारा वेटनरी डॉक्टर से जब वो फिट पाया गया उनको रिलीज किया गया है. S9 न्यूज़ मुंबई.